नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हम बढ़ौरा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर आए हुए हैं। ये काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है और काफ़ी ऐतिहासिक शिव मंदिर है और यहाँ पूरे 12 महीने दर्शन करने वाले लोगों का हुजूम लगा होता है। आज सावन का शुक्रवार है और आज भी काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने शिव मंदिर आए हुए हैं। ये मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है और लोगों की आस्था इस मंदिर से काफ़ी जुड़ी हुई है और कोई भी दिन हो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हमने देखा है कि अन्य शिवालयों में सिर्फ विशेष दिनों में ही लोगों का हुजूम होता है, दर्शन करने वालों की भीड़ होती है, लेकिन यहाँ प्रतिदिन लोग दर्शन करने आते हैं। आज चूँकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का आज सोमवार नहीं है, आज शुक्रवार का दिन है, उसके बावजूद यहाँ देखिए लोगों का तांता लगा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको दिखाएं। देखिए सावन मास में हालांकि सभी शिवालयों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ौरा मंदिर अपने आप में एक विशेष मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसकी काफ़ी धार्मिक मान्यता है, जिसके कारण लोग यहाँ हजारों लोग दर्शन करने प्रतिदिन श्रावण के मास में आते हैं। चूँकि श्रावण का महीना है और श्रावण में कई श्रद्धालु आए हुए हैं और हम यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अमित भारती नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम चूल्ही के हैं, बगले पासे में हैं। क्योंकि चूल्ही बढ़ौरा के पास ही स्थित गांव है। इस मंदिर का कुछ इतिहास जानते हैं? जी सर, ये बहुत पुराना मंदिर है, ये शिवलिंग निकला हुआ है बढ़ौरा भोलेनाथ का जी। और सर इसमें क्या है कि पहले पत्थर उत्थर में पत्थर टाइप का था तो वहाँ खुरपा उरपा टेते थे और फिर इसके बाद भगवान ने स्वप्न दिया तो खुदवाए जलाहली से ही शंकर भगवान निकले। यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है सर, 12 महीने हमेशा रहती है सर जी। क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है जी और लोगों की काफ़ी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है जी। जबकि मंदिर का उतना विकास नहीं हुआ है जितना अन्य मंदिरों का विकास हुआ है, उसके बावजूद यहाँ लोगों का तांता, दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो कोई घटनाक्रम आप जानते हो कि किसी ने कोई मन्नत मांगी हो और उसकी मन्नत पूरी हुई हो? काफ़ी लोगों की हुई है सर जी। जी हाँ, सभी लोगों की, मतलब अपने दिल से अगर मान के आते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, जो कि होती है, तभी यहाँ मान लीजिए कि महीने में 15-20 मानस कीर्तन भजन रामायण हर, मतलब हर तरीके से होती रहती है, बड़े बड़े भंडारा होते रहते हैं बड़े बड़े लोगों का। तो सर जब मनोकामना पूर्ण होती है तभी ना लोगों की, मतलब करते हैं। जैसा कि अभी यहाँ के रहवासी जो बगल के गांव चूल्ही के रहने वाले हैं और उन्होंने मंदिर का इतिहास बताया और उन्होंने जो बताया वो कितना सही है, हम मंदिर के पुजारी से भी इस संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस मंदिर की आस्था है और लोग जो भी मन्नत लेके आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, जिसके कारण यहाँ दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आइए हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? सुखनंदन विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शंकर जी घर के पास है, मतलब हमारा घर है। इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? पहले यहाँ मंदिर में भीड़ नहीं लगती थी, लेकिन जब एक बार यहाँ कांवर चढ़ी तो उसकी मन्नत पूरी हुई, यहाँ भीड़ लगने लगी, कांवर चढ़ने लगी। खाली कांवर दो जगह चढ़ती है, बाबा भाई धाम में और बढ़ौरा में, इसलिए यहाँ भीड़ लगती है। काफ़ी भंडारे होते हैं, मानस होते हैं, बहुत यहाँ कांवर चढ़ाकर अपनी मन्नत पूरी। अभी दो लड़के नहीं हुए थे, उनको 40-40 साल के हो गए थे, उनके बच्चे हुए, वो भंडारा करे, फिर यहाँ मानस करवाए, इसलिए यहाँ का नाम आगे बढ़ रहा है। जैसा कि अभी इन्होंने मंदिर के घटना, मंदिर से जुड़े घटनाक्रम के बारे में बताया, ऐसी कई किंवदंतियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और आइए कुछ और लोगों से जो मंदिर के जानकार हैं उनसे हम बात करते हैं और मंदिर के रहस्य के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ हनुमान जी हनुमान लाला विराजमान हैं और मंदिर के पुजारी हैं और हम शिव मंदिर के बारे में आपसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो शिवालय है, प्राचीन शिव मंदिर है, इसके रहस्य के बारे में जानते हैं, क्या इतिहास है? अरे बहुत पुराने शंकर जी निकले हुए हैं जी। अब यहाँ हो गया, मान लीजिए मेला लगता है भगवान के यहाँ,
क्या इतिहास है, चूँकि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आप यहाँ हनुमान जी के पुजारी भी हैं हनुमान मंदिर के, कैसे शंकर जी निकले, कैसे लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा इस मंदिर के प्रति और शिवलिंग के प्रति हुई कि लोगों का लगातार यहाँ तांता लगा रहता है? जैसे मान लीजिए यहाँ भोलेनाथ के यहाँ जो मन्नत लिए वो पूरा हो जाता है, इसके कारण पब्लिक ज़्यादा आने लगी है। इतनी पुरानी मंदिर है ये? लगभग 80 साल की हो गई है। 80 साल जी। कैसे शंकर जी यहाँ प्रकट हुए, किसने मंदिर बनवाया, कुछ जानते हैं आप? यहाँ शंकर जी पहले यहाँ टिकुरा टाइप का था, तो यहाँ गांव के लोग अपना आकर वहाँ जुनहरी वगैरह बोए रखते थे, तो यहाँ पर रहते थे। इसके बाद वहाँ पर एक खुरपस टे दिए भोलेनाथ को, तो उसकी धार बन गई, तो बोले कि इसको हम ले जाएंगे घर में, तो अपने टोनाकर का काम करेगी। फिर हो गया, ये लोगों ने, गांव वाले लोगों ने, उनको इलाका उनका था बहादुर सिंह का, तो उनको सूचित कर दिए थे कि कोई द्रव्य तो नहीं है, कोई निकाल ले जाए। इसके बाद हो गया, वो पूरा यहाँ उनके इलाके में है भोलेनाथ के। अब फिर मान लीजिए कि एक स्त्री का जीव में कैंसर हो गया था, बाहरी कुबरी साहब की थी, वो बोली कि हमारा एक जी जीप ठीक हो जाएगी तो हम कामर चढ़ाएंगे, तो उसकी जीप ठीक हो गई, कामर चढ़ाने लगे, हो गया ऐसे मन्नत पूरी हो गई। ऐसा पुजारी जी जो कि यहाँ पर स्थित हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ वो पुजारी हैं, उन्होंने मंदिर के कई रहस्य और कई किंवदंतियाँ, मंदिर से जुड़ी किंवदंतियाँ हमको बताई, और उन्होंने बताया भी कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के सामने आके ये कहा था कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ और मेरा कैंसर ठीक हो जाता है तो मैं यहाँ कांवर चढ़ाऊँगा। तब से मंदिर की और मान्यता बढ़ गई और धीरे धीरे ऐसे कई घटनाक्रम हुए, मंदिर से जुड़ी कई घटनाएं हुई कि लोगों की मन्नतें पूरी हुई और अंततः ये मंदिर एक बड़े शिवालय के रूप में स्थापित हो गया। और आज जिस तरह से लोगों की आस्था इस शिव मंदिर से और इस प्राचीन मंदिर से जुड़ गई है, ये एक बड़ा शिवालय बन गया है और बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है और एक बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है। और हम आपको दिखाते हैं बढ़ौरा के शिवलिंग जो चतुर्भुज आकार के हैं। जैसे आपने अक्सर शिवालयों में देखा होगा कि गोलाकार शिवलिंग होते हैं, और हम आपको गर्भगृह से सीधी तस्वीरें शिव जी की दिखा रहे हैं, शिवलिंग की दिखा रहे हैं कि चतुर्भुज शिवलिंग है और काफ़ी शक्तिशाली शिवलिंग है। और जो भी इनके दरबार में आया है, अपनी हाजिरी लगाया है और जो भी अपनी मुरादें और मन्नतें लेके आया है और भगवान शिव से प्रार्थना की है, तो उनकी मुरादें 100% पूरी हुई हैं, उनकी मुरादें सिद्ध हुई हैं। तो यहाँ के एक पुजारी हैं जो काफ़ी समय से मंदिर में स्थित शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करके जानने का प्रयास करूँगा कि मंदिर का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है। हाँ, ये पुजारी जी, आपका नाम क्या है? सचिन गोस्वामी। कब से आप भगवान शिव की सेवा कर? हमारे भगवान शिव की पूजा पिताजी करते हैं, जब नहीं रहते हैं तो हम बैठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनकी। क्या मंदिर का इतिहास है? इतिहास ये है कि सबसे बड़ी इनकी महानता और प्रधानता ये है कि भोलेनाथ यहीं से निकले हुए हैं, जो मांगते हैं और दे देते हैं, सबको देते हैं, कोई इनके दरबार से खाली हाथ गया नहीं है। सबसे बड़ी इनकी महानता प्रधानता ये है। मंदिर का इतिहास क्या है? कब शिवलिंग की यहाँ स्थापना हुई? किसने इस मंदिर का निर्माण कराया? स्थापना इनकी नहीं हुई है, ये इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, निकले हुए हैं ये भोलेनाथ यहाँ। स्वयंभिस शिवलिंग जी, ये यहीं से निकले हुए हैं और इनसे ये मंदिर रण बहादुर सिंह बनवाए हैं, ये सब रण बहादुर सिंह बनवाए हैं और ये जलाली मंदिर जो है सब उन्हीं ने बनवाया है। कि ये कितना पुराना मंदिर है, कब शिवलिंग निकले हैं, कितने वर्ष हो गए हों? सन 1947 में निकले हैं। सन 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ जी। जैसे बहुत सारे शिवालय हैं लेकिन वो स्थान इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन बढ़ौरा जो है एक तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया है, काफ़ी इसकी प्रसिद्धि हो गई है और लगातार यहाँ दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। सावन के मास में तो अक्सर शिवालयों में तांता लगता है, लेकिन यहाँ के श्रद्धालुओं की भीड़ देखने में ही अलग होती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। आज दिन शुक्रवार है, उसके बावजूद देखिए
दर्शन करने वालों का तांता लगा हो, इसका क्या रहस्य? ये पुरुषोत्तम महाशालो सामन, यहाँ जो मांगते हैं सबको दे देते हैं, उनके खुशहाली में बाबा सबको दर्शन देने के लिए बुलाते हैं तो सब आते हैं उनके पास। तो जैसा अभी पुजारी जी ने बताया कि पुरुषोत्तम मास है, जिसके कारण यहाँ प्रतिदिन लोग दर्शन करने आते हैं, और पूरे माह चूँकि श्रावण मास पुरुषोत्तम मास माना जाता है, श्रेष्ठ मास माना जाता है, और यहाँ लगातार पूरे महीने लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन करने वालों की भीड़ यहाँ पे लगी रहती है, और सोमवार के दिन तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह ही नहीं बचती है। और ये शिवलिंग काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, काफ़ी धार्मिक मान्यता है, और ये एक तीर्थ स्थल के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो चुका है, और आज इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये रीवा और सीधी के बीचों बीच स्थित है, और सीधी से करीब 18 किलोमीटर दूर बढ़ौरा ग्राम में स्थित है ये शिवलिंग, और कहा जाता है कि यहाँ के राव रणबहादुर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया कराया था, और ये मंदिर स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं इनकी उत्पत्ति हुई है, कोई चतुर्भुज शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, कोई यहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं किया था, यहाँ खुद ये उत्पन्न हुए हैं, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, और फिर यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। तो अभी हमने मंदिर के रहस्य के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताया है, और मैं अभी मंदिर का प्रांगण आपको दिखाया देता हूँ कि मंदिर के आसपास ये मंदिर का मुख्य गेट है, यहाँ से हम अंदर शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपको अन्य शिवालयों में दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा मंदिर होता है, लेकिन यहाँ गुम्बद नुमा चार पिलर हैं और एक गुम्बद बना हुआ है, और कोई बड़ा मंदिर यहाँ पे नहीं बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के शिवलिंग हैं, जिस तरह से इनके अंदर शक्ति है, जिस तरह से यहाँ लोग आए हैं और जिस आकांक्षा के साथ भगवान शिव के पास आए हैं और अपनी हाजी लगाई है, और जो भी उनसे मांगा है वो मोह मांगा बर मिला है, जिसके कारण ये शिवलिंग और ये मंदिर आज लोगों के लाखों लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। आइए अब हम बात करते हैं मंदिर से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम रामलला मिश्रा है, और इनका कहना है कि इनके दादाजी जो कामता मिश्रा जिनका नाम था, उनको ये शिव जी मिले थे, ये शिवलिंग के दर्शन पहली बार उन्हीं को हुआ था। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी, क्या है रहस्य, बताइए बढ़ौरा नाथ शिव मंदिर का। बढ़ौरा नाथ मंदिर हमारा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। हमारे दादाजी बताते थे कि हम लोग यहाँ गाय भैंस रखते थे, तब शंकर जी वहाँ मतलब यहाँ मड़ैचा था कुदिरा टाइप का गांव में, जहाँ सोते हैं रात को, तो उसी पत्थर पे चढ़ के लोग चढ़ते थे उसमें, धीरे धीरे उसमें खुरपा टहने लगे, अच्छी धार बनने लगी, चारों तरफ हल्ला हुआ, ज़्यादा लोग जब जुड़ने लगे तो बोले इनको खोद ले चलो, पत्थर को अंदर रख लेते हैं। जब खोदने लगे तब शंकर जी की जलहली निकली, तो पता लगा कि ये शंकर जी हैं, चारों तरफ खबर हुई, माननीय राव रणबहादुर सिंह को यहाँ खबर हुई, वह यहाँ के राजा थे, बाकी पूरा वृतांत इस पुस्तक में आपको मिलेगा। नहीं, जैसा आपने बताया कि ये सबसे पहले आपके दादाजी को मिले और दादाजी यहाँ पे खुरपा टेने लगे, यानी सभी गांव के पूरे गाय भैंस यहीं रहते थे, पूरे गांव के लोगों का, क्योंकि ये जंगल था यहाँ, तो सब वहाँ कीचड़ से रहता था गांव में, तो सब लोग यहीं गाय भैंस रखते थे इकट्ठे ही 10-25 लोग, क्योंकि बाबा जी हमारे ज़्यादा बुजुर्ग थे, ब्रजभान राम तिवारी थे साथ में रहते थे, तो उनको बोले बेटा इसको खोद ले चलो शंकर जी, ये पत्थर को अंदर रखते हैं, ज़्यादा लोग खुरपा टहने आने लगे। जब खुदाई हुई तो पता लगा कि इसमें शंकर जी हैं जी। तो धीरे धीरे चर्चा होने लगी, लोग मन्नत करने लगे, लोगों की मनोती पूर्ण होने लगी, धीरे धीरे शंकर जी आज सिद्धेश्वर बढ़ौरा नाम के नाम से प्रसिद्ध हो गए, सिद्धेश्वर बढ़ौरा नाम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन सबसे पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा किसने कराई और इनको एक स्थापित? अब ये चीज़ तो हमको नहीं मालूम है ना, चूँकि दादाजी को गुजरे हुए करीब बहुत समय हो गया,
पिताजी भी हमारे नहीं बल्कि पिताजी को कुछ मालूम था। उस समय इलाकेदार हुए इलाकेदार हुआ करते थे जी, इलाकेदार तो राव घराना था, तो उन्होंने भी बहादुर सिंह के खबर की गई, तब यहाँ पुजेरी वहाँ से लाए आपके खिरखोरी गांव से इन लोगों को यहाँ रखा गया। चूँकि शंकर जी की जो पूजा है तो ये पूरी लोग ही गोस्वामी लोग ही करते हैं, तो वहाँ से इनको ला के स्थापित किया गया। और इसके पहले तो पुराने कोई है नहीं, उन्हीं लोगों के मुख से जो हमने सुना था वही हमको जानकारी है। हमने देखा कि अमूमन जो शिव मंदिर जो थोड़े से भी प्रसिद्ध हुए हैं तो उनका एक विशाल रूप हो जाता है और एक बड़ा मंदिर का निर्माण लोग करा देते हैं, लेकिन ये आज भी चतुर्भुज यानी चार पिलर में इनका गुंबद बना, पीछे भी क्या रहस्य है? ये मंदिर जब बन रहा था शुरू में तो ये गिर जाता था, मंदिर जब बनता था भव्य मंदिर बन रहा था तो मंदिर गिर जाता था। रावण बहादुर सिंह एक पांव में खड़े होकर के 12 घंटे यहाँ खड़े रहे, तपस्या किए हैं, तब जाकर के ये खड़ा हुआ। तो पंडितों ने कहा कि भाई शंकर जी खुला में रहना चाहते हैं, इस कारण इस मंदिर का निर्माण इस तरह से हुआ। यानी भव्य मंदिर रावण बहादुर सिंह कराना चाहते थे लेकिन मंदिर गिर जाता था, कितना बने दिन में रात को सब गिर जाता था। तब बड़े बड़े सब पंडितों को बुलवाया गया, तो ये हुआ कि भाई शंकर जी खुला में रहना चाहते हैं, इसलिए ये ढांचा से बनवाया गया। यहाँ पे 12 महीने इस मंदिर पर 12 महीने लोगों की भीड़ रहती है, दर्शन करने वाले श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ वर्ष भर कोई अनुष्ठान भी होता है, कोई कार्यक्रम मंदिर की ओर से, भागवत यज्ञ जैसे मलमास आया तो उसमें यज्ञ होते हैं, भागवत होती रहती, पिछले सावन में भागवत हुआ था, अभी साल तो नहीं कर रहे कोई भागवत कथा होती है, और यहाँ संत महात्मा आकर के यज्ञ होता ही रहता है हमेशा। क्या मंदिर की कोई कमेटी बनाई गई है, किसी के निगरानी में मंदिर का रख रखाव पूजा पाठ होता है? अब ये तो वही माननीय कुमार साहब के उसमें है, देख रेख में वो ट्रस्ट है, उन लोगों का क्या है कि इसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है। मैं यहाँ कथावाचक के रूप में रहता हूँ, लेकिन मंदिर का कोई संरक्षक की भूमिका? संरक्षक में एक निमलेश सिंह जी हैं जो कि राव साहब के तरफ से नियुक्त हैं, कुंवर साहब के तरफ से वही हैं यहाँ, और वो जो बैठे हैं व्यवस्थापक सुदर्शन मिश्रा जी, वो पुराने व्यवस्थापक के रूप में हैं, यही दो आदमी हैं। जी जी, अभी हमारी बात रामलला मिश्र से हुई, उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये शिवलिंग मेरे दादाजी को सबसे पहले मिले हैं, जिस तरह से यहाँ लोग आए हैं और जिस आकांक्षा के साथ भगवान शिव के पास आए हैं और अपनी हाजी लगाई है और जो भी उनसे मांगा है वो मोह मांगा बर मिला है, जिसके कारण ये शिवलिंग और ये मंदिर आज लोगों के लाखों लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। आगे भी हम लगातार ऐसे शिवालयों में ऐसे शिव मंदिरों के बारे में आपको बताएंगे, उनका इतिहास बताएंगे लगातार, जैसे हमने अभी लगातार 2 सप्ताह से आपको करीब आधा दर्जन बड़े ऐतिहासिक शिव मंदिरों के बारे में बताया है, और हमने आज बढ़ौरा शिव मंदिर क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर है तो इसकी कहानी और इसका रहस्य बताया है। आगे भी ऐसे हम अन्य मंदिरों के बारे में आपको समय समय पर उनका इतिहास बताएंगे, उनका रहस्य बताएंगे, उनकी धार्मिक मान्यता बताएंगे। तब तक आप हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी सुझाव आप इस वीडियो के बारे में देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो से संबंधित आप सुझाव दे सकते हैं। आगे हम किसी और अन्य स्थान पर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, शुक्रिया।